मुझे लेकिन फेक और नेचुरल में भी तो फर्क होता है ना। नेचुरल जो हो रहा है वो अलग बात है, नेचुरली तुम्हारा निकल रहा है, खुद से बना रहे हो तो वो गलत है। अब जैसे लोग यहाँ पे मुद्दा बनाना चाह रहे हैं कि इस चीज को ऐसा कर लेता हूँ, वो ऐसा कुछ बोलेगा, फिर मैं ये कर लूंगा, समझ रहे? वो दिमाग में पहले सेट कर लेते हैं कि ऐसा होगा फिर हमारा ये हो जाएगा। पॉलिटिक्स का खेलते हैं, लोगों के दिमाग में ना परसेप्शन क्रिएट हो चुका है कि दिस पर्सन इज लाइक दैट, दिस पर्सन इज लाइक दैट। हम लोग तो वैसे भी चिल करते हैं, हंसते ही रहते हैं। रणवीर भाई को जैसे वो एक माइंडसेट मेरे लिए सेट हो गया कि एरोगेंट है और नहीं सुनता, अब उनका सेट हो गया, मैं कितना भी कुछ भी करूं वो नहीं हटेगा। भाई मेरे लिए भी बता दो आप, मैं कैसे तमीज से बात करूं। तुम धीरे जब बोलती हो तो कितनी अच्छी लगती हो। धीरे देखो ऐसा प्यार से बात किया करो, थोड़ा टोन जो चिड़चिड़ाते ना रणवीर भाई तुम, वो थोड़ा तुम्हारा लाउड है और मतलब फिर क्या होता है ना, ये जो बोल रही है ना उसका वैल्यू नहीं रहता, खारिज हो जाता है। हाँ पूरा तुम्हारा वो चले जाता है कि तुमको कोई गौर से क्यों सुने, क्यों सुने। हाँ जब अगर तुम्हारी आवाज चुभ रही है ना तो सामने वाला चिढ़ जाता है कि मैं नहीं सुन सकता इसको, मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं रह ही नहीं सकता, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर तुम ऐसे बात करना शुरू करोगे ना थोड़ा ये वाली पोलाइट मैनर में, जैसे अभी कर रही थी, जैसे अभी तुम कर रहे थे थोड़ी देर, मैंने नोटिस किया तो बहुत अच्छे लग रहे हो तुम ऐसे बात में, और तुम साफ भी बोलते हो, और जब साफ बोलती है ना मेरे कान खड़े हो जाते हैं, भाई क्या बोल रही है, किसकी आवाज है, कोई और लड़की तो नहीं, कोई और लड़की तो नहीं है, मतलब तो आवाज अच्छी है। हाँ लेकिन ये चिल्ला देती है, लाउड हाँ, वो एकदम वही रहो तुम, हर जगह वही रहो तुम, अपना स्टाइल मत चेंज करो हमारे लिए। लेकिन जब हम लोग बैठ रहे हैं तो कम से कम तुम थोड़ा एफर्ट्स डाल सकती हो कि मैं एडजस्टमेंट करूं। जब हम तुमको सुनने की हिम्मत रख रहे हैं तो तुम हमको सुनाने के लिए थोड़ा तो एफर्ट्स डालो। अगर तुम धीरे बात करोगे तो सब सही रहेगा ना, फिर तो तुमको कोई हेट नहीं करेगा। मैं तो नहीं करता हेट, लेकिन दूसरे लोग तुमको नहीं लाइक करते क्योंकि तुम चिल्ला के बात करते हो। बस तुम अपने टोन को थोड़ा टोन को डाउन कर दो, ऐसा अप अप डाउन का वो बटन अपने अंदर बटन ढूंढो। हाँ तुम्हारा बटन किधर है, कान में तो नहीं है। बस बाकी तुम अच्छे इंसान हो, तुमको फिर कोई तुम्हारे से आड़ी नहीं करेगा यहाँ पर। आड़ी करेगा, आप स्टैंड लोगे ना? क्यों नहीं। हाँ ठीक है, नेजी भाई से बात बन गई। मतलब मेरे को भी ये आया कि ढाई तीन हफ्ते ही है, रहो ढंग से। हाँ भाई जब तक हो यहाँ पे तुम तब तक रहो। हाँ। और कोई आड़ी किया तो मैं इधर ना बोल के भी आया था कि मेरी वो फालतू की आदत नहीं किसी भाई, मुझे ना किसी पे वो नहीं होता कि नहीं मैं किसी से फालतू की बात करूं या फालतू का चढ़ जाऊं। मुझे ना अरमान भाई की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो एकदम बात करते हैं घुमा फिरा के, बात सबकी कर लेंगे लेकिन अपना बिल्कुल सही साबित हो जाते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ। वो टैलेंट है उनका। वो अच्छा खेल रहे भाई, मेरे को पता चला अभी रिसेंटली पता चला कि वो सब जो उनकी जो तरीके है ना वो भी एक गेम प्लान लगता है। मैं इसको कल बोल रहा था क्योंकि अचानक सडन बिहेवियर जो मेरे साथ चेंज ऑफ बिहेवियर हुआ कल से, मैं शाम में बैठ के सोच रहा था ये क्या हुआ। हर एक इंसान से बोलने लगते हैं वो लड़ाई करके भी तुरंत। एक गेम प्लान है उनका। तुम मुझे बोल रहे थे ना बात सबसे बना के रखती हो, मैं तो किसी से बना के नहीं रखती जब तक मैं अपने स्पेस में नहीं आती। नो इफ आई एम नॉट ओके विद कल जब मेरी हट रही थी ना तो मेरे एक थॉट क्या आया मालूम मेरे को कि सबसे आड़ी कर लो। हाँ सबसे आड़ी कर लो जो सामने नजर आ रहा था, ऐसा थॉट आया था मेरे को कि बहुत गुस्सा आ गया था कि जाने का घर से बाहर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वोट आउट करो कुछ भी करो, नॉमिनेट करो बाहर निकाल दो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं दब दब के घुट घुट के मरूंगा नहीं। अगर आड़ी हो रही है तो हो रही है, अगर वाइब नहीं मैच हो रही तो नहीं मैच हो रही है, खत्म। हाँ फिर थोड़ा समझे अपने आप को नहीं करने का। हाँ फिर मैं सुनाया भी एक दो जन को, फिर सना ने मुझे समझाया कि मत खराब कर किसी से भी ऐसा।
प्रोटेक्ट कर अपने रिश्ते को, इसने मेरे को ये वाइज वर्ड्स बोला। उन लोगों को क्या लग रहा है कि ये मेरे को भड़का रही है। मैंने बोला नेजी, अभी तभी मैंने नेजी को बोला, मैंने कहा नेजी मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि मैं तुझे भड़का रही हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं उस लड़की में मेरा उससे आई डोंट वाइब विथ हर, आई एम लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी रॉन्ग थिंग्स अबाउट हर, नीदर आई सेड रॉन्ग थिंग्स अबाउट साई, नीदर आई सेड रॉन्ग, आई इनफैक्ट टोल्ड हिम, आई सेड यू नो इफ शी इज क्लोज टू यू टॉक टू हर वन ऑन वन, किसी थर्ड तुरम खान को मत रखो किसी को। इन्होंने वाइज वर्ड्स बोला भाई, उन लोगों को लग रहा है ये इतनी बचकानी है कि ऐसा बात करेगी कि भड़काएगी मेरे को, वो मतलब उन लोग जैसे और अपन का बच्चे है क्या, अपन क्या अपन भड़क जाएंगे, भड़क जाएंगे कोई मेरे को आगे कुछ बोला तो इसकी माँ का ऐसे कैसे बोला, वो अपन भी वाइज है ना भाई, वो ये लोग कर रहे हैं मालूम है तुमको आपस में, तो लोग को लग रहा है कि जैसे हम है वैसे सब है। बात तो सही है, मेरी वो आदत नहीं है, बट मैं तो अभी भी सेम चीज बोलूंगी, मेरे कान में आया, गलत आया तुम्हारे कान में, और नेजी मेरा स्टैंड नहीं लिए, गलत पे गलत सही पे सही, नहीं नहीं भड़काया तो बोलो भड़काया भैया, स्टैंड नहीं लिया ऐसा मत बोलो, मैंने तो हर बार यही बोला कि किसी ने मुझे भड़काया नहीं है, वो बोलो मैं इतना इजी वो नहीं हूँ कि मैं महीने पे लेट हो जाओ, सिंपल बाथरूम बिजी है क्या, कौन सा तुम्हारा, नहीं मेरे को इस्त्री करना, इस्त्री करूंगी, शॉपिंग का क्या करते हैं फिर अब, साबरी करना ना, वेट करते हैं, हाँ कितना बज रहा है अभी, 12 बज रहा है, 1 बजे स्टार्ट करते हैं, 2 तक लंच कर लेंगे, इस्त्री करके 1 घंटे में हो जाएगा आराम से, कुकर में ही बनाना है दाल, हाँ कुकर में दाल, 11 तारीख है ना, नहीं आज 10, हाँ 11 है, 11 11 हाँ, फटाफट दिन निकल रहा है ना बस, निकले दिन फटाफट बाबा, जाना है मैंने घर, हाँ मेरा भी मन कर रहा है भाई, घर की याद आ रही है अभी, मेरे को ऐसा भाई लगा सबसे नहीं था। मेरा ये लोगों से सबसे किसकी ज्यादा याद आती है, कोई नए लोग को ला, मॉम को मैं ज्यादा क्यों मिस कर रहा हूँ मालूम, क्योंकि मैं खाना बनाना सीख गया हुआ है, सेम सेम मैं मम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, और मेरे को इतना वो लग रहा है ना कि कितना इसमें डेडिकेशन है और कितना हार्ट इन्वॉल्व है कि मैं खिला रहा हूँ सबको बना के, तो मतलब प्यार मोहब्बत से करना पड़ता है वो काम, और मेरी माँ आज तक कर रही थी 30 साल से, और उनको कभी जान पे नहीं आया, और मैं एक एक दो हफ्ते में मेरे को जान पे आने लगा कि नहीं यार एक ही चीज मैं बार बार क्यों करूँ, अब मैंने प्यार मोहब्बत में खिला दिया एक दो बार, लेकिन हर बार मेरे को वही करना है, रोज सुबह उठ के मेरे को वही करना है, तो मैं ये सिचुएशन अपने मॉम पे डाल के दिखा कि उनको भी ऐसा रोज लगता रहेगा, लेकिन कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया कि आज मैं नहीं बनाती हूँ होटल से लेकर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता, तो दो टाइम बना रहे हैं वो लोग सुबह से लग के रात, और अपने को तो चॉपिंग मिल रहा है, यूटेंसिल मिल रहा है, सब उनका तो वन मैन शो रहता है गेम, यूटेंसिल चॉपिंग कुकिंग सब उनका रहता है, धोना भी उनको है काटना भी उनको है, बहुत बुरा लगा यार, मैं बोला घर जाके मैं एक दो हफ्ते का तो रेस्ट दूंगा उनको, मैं इतना बेशरम हूँ, 30 साल में मैंने आज तक ऐसा किया नहीं, बिग बॉस में आने के बाद मेरे को पता चल रहा है तो मैं कर रहा हूँ, मतलब घर पे जाते बोलना, मतलब रियलाइज हो रहा है तुम रेस्ट करो, रियलाइज हो रहा है कि मैं काश किचन में पहले गया रहता, काश मैं मॉम को तकलीफ से बचा लिया होता, थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया होता, मतलब मेरे घर बहू लाने की जरूरत ही नहीं, आप तो सीख गए, हाँ मैं इतना परफेक्ट हो गया होगा अभी देते जाऊंगा, मतलब अपन अपने अपने घर पे खाना तो अच्छे से बना, अच्छे से बना, और घर पे तो मॉम भी रहेगी तो हेल्प भी हो जाएगी, हो जाएगी, और ऐसा कुछ चाचा पैपे भी नहीं रहेगा भाई, कि मम्मी कुछ करेक्ट कर देगी अपने को कि ये थोड़ा इसको थोड़ा ऐसा कर दे, हाँ वही मजा आएगा भाई, इंटरेस्टिंग होगा, दादी मेरे को ज्ञान दे रही थी ना, बोल रही थी तू किसी का कुछ काम कर लेना और बोलना कि खाना मेरे लिए खाना बना दे, खाना बना दे, और वो बोल रही थी किचन, क्योंकि उनको मालूम था मैं किचन में नहीं जा पाऊंगा, तो अभी वो देख रहे रहेंगे जब कि मैं किचन में ही हूँ, किचन में बना रहा हूँ, 2 टाइम बना रहा हूँ, और तुमको भी समझ गया अभी, आ गया भाई मेरे को वो बनाना आ गया मेरे को कैसा बनाना है, अभी अपन कहीं अकेले भी रहेंगे ना तो अपन मोहताज नहीं रहेंगे, हाँ बना लेंगे खाना, खुद बना के खा सकते अपन, मेरे को सिर्फ अंडा और चाय आती थी लेकिन उससे मैं काफी आगे बढ़ गया, अब तो सब कुछ आने लगा आपको, अभी इसको आना चाहिए खाने में, तुमको आना चाहिए, मेरा हो गया, मैं ब्रेकफास्ट तो खिलाती हूँ अच्छे से, तुम तो खिलाती हो, हाँ सना सुल्तान को आना चाहिए, हाँ सना सुल्तान को आना चाहिए, रोटी तो भाई मैं 10 मिनट में पूरे घर की बना अच्छा देती हूँ, रोटी तो फटफट बेलती है यार,
ऐसे लोग होना भाई बहुत जरूरी है अपने जिंदगी, इधर नहीं सिर्फ जिंदगी में भी, क्योंकि तुम्हारे पे कुछ आफत आए ना तो खड़े, तुम्हारे लिए खड़े रहे। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है भाई सबसे, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, रिलेशनशिप इतने डाइवर्स हैं यहाँ पे ह्यूमन, वही ना भाई, अलग अलग प्रकार के है भाई, किसी को किसी का मूड अलग है, किसी का समझ रहे हो, सो एक जो सेटिंग रहती है ना, जोन अलग है, बात करने का तरीका अलग है, थिंकिंग अलग है, माइंडसेट अलग है, तो सब हम देख रहे हैं, नया नया सब देख रहे हैं, अब सीख रहे हैं बहुत, और रियल फेसेस रिवील होते जा रहे हैं, तो उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई अच्छा ऐसा भी हो सकता है। कोई लोग अलग परसेप्शन बना रहे, कोई लोग उसी चीज का अलग परसेप्शन बना रहे, चलो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, आगे काम आएगा, अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। वेरी गुड, हाँ ये सही टाइम पे आ गई है अंदर, इसको बहुत मैसेज वो मिलेगा, स्ट्रॉन्ग अपने आप को बहुत मोल्ड कर सकती है। पैसे है ना, पैसे वो बचा के रखना अपने फ्यूचर के लिए, खोटा खर्चा मत करना, वेस्ट मत करना, और क्या क्या मैं इसको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ जो मेरे साथ, जब मैं तुम्हारे एज का था ना तो मैं भी स्टार बन गया था, मतलब फेम मनी सब मिला मुझे, सेम, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है वो अपने को नहीं पता है, सब उड़ा दिया। हाँ, तो आगे जाके क्या होने वाला है वो तुमको भी नहीं पता है, हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है कुछ ना हो, तो उसके लिए तैयार रहो, मल्टीपल बिजनेसेस बनाओ अपने, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम, कुछ बिजनेस पता नहीं कब सोशल मीडिया से हाथ धो के बैठ जाए, वही वही वही, फिर क्या, ये स्मार्ट लड़की है भाई, स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है। 2019 में भाई ऐसा टाइम आ गया था कि मेरे घर पे पैसे नहीं थे और डैडी लोग गांव में थे, किसी की शादी थी और वहाँ पे उनके पैसे कम पड़ गए, तो वो टाइम मैंने अपनी जिंदगी का वो टाइम पे हाईएस्ट कमाया, मैंने माँ को 1 महीने में कमाया मैंने, वो टाइम का हाईएस्ट था मेरा, मालूम कितने साल का था मैं 20 साल का था, उसमें से मैंने गाँव भेज दिया, तो उस दिन मेरे डैडी को इतना प्राउड फील हुआ ना, बोले एक नंबर कि 20 साल की उम्र में इसने इतना कर लिया। फिर उसके बाद तो मैं ग्रो हुआ अपने पैसों की, जो तुमने बोले तबाही किया, बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं सिर्फ बर्बाद किया भाई, सबके साथ यही होता है ना, बट समझ रहे हो, मेरे साथ भी यही हुआ, तुम्हारे साथ भी यही हुआ, मतलब ज्यादातर लोग, मतलब गाड़ी लिया, घर लिया, घर बनवाया जैसा मेरे को चाहिए था, अच्छा वो सब, बहन की शादी कराई आलीशान जयपुर में डेस्टिनेशन, उसके अलावा भी बाकी पैसे तो उड़ाया हो भाई, मैंने भी बहन की शादी कराई, घर बनवाया, मैंने भी घर दो बनवाए, 3 घर हुए मेरे, कार भी ली, 10-10 घर का भाई खर्चा चलाती हूँ मैं अकेले, लेकिन 4 साल में तुम इतने हार्ड हो गए, तो उससे पहले तुम्हारी बहुत कठिन है, उससे पहले बहुत तुम तो बहुत कठिन कहानी है ना, मैंने भाई 8-8 घंटे खेत में ऐसे धूप में काम किया है, बहुत छोटे थे, तो तुमको सोशल मीडिया का आइडिया कौन दिया, ये मैं देखती थी पहले, लोग वीडियो देखते थे, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद था, मेरे गांव में VCR चलती थी पहले, तो मैं सामने देखती थी हीरो हीरोइन को, तो वो एक्टिंग करते थे, तो मैं भी उनके जैसे करने की कोशिश करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर सोचते थे मैं कैसे बनूंगी इनकी तरह, क्या करूंगी, तो फोन भी नहीं था मेरे पास, तुझे आता है अच्छा है, पर मैं थोड़ा सा बता, करेक्ट है, होल्ड कर एक सेकंड, हाँ होल्ड भी ठीक है, हाँ होल्ड नहीं करता मैं कभी कभी, छोड़ देता हूँ, होल्ड से हमारा मसल और होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है अच्छे से, माँ कर देना पढ़ाई, मुझे जितनी भी कर पाई मैंने अपने दम पे पढ़ाई की, जितनी भी कैसी भी पढ़ पाई, हिंदी हिंदी, जो मेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, सब अंगूठा टेकते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ पाते, तो मैंने वो संघर्ष करके थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा, सब कुछ किया, फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वीडियो बनाते बनाते सबकी गाली सुनी, मम्मी जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मम्मी ने, मैंने तो अपने, मैंने बोल के रखा है, खत्म हो गया तेरा, हाँ खत्म हो गया, खत्म हो रहा है, हमारे वाले मैं जो प्रोटीन लेता हूँ भी लेता हूँ, और करके एक कंपनी है उसका भी लेता हूँ, दोनों का अच्छा है, थोड़ा सा बाहर की तरफ,
थ्री चल फोर फाइव पंद्रह वेट बढ़ा दे उठाइए उसको ऊपर उठा करूँ चल और नीचे ले ये बस देखने से ये 25,000 निकाल मैंने लास्ट टाइम में किया था वो पूरा लास्ट कर दूँ पूरा लास्ट मत कर अभी क्या 60 या 65 करो मेरे बहुत जल्दी ऐसे होते हैं हाथ में तू एक काम कर सीधी पकड़ लेगा तू ना उसमें बैलेंस नहीं बना पा रही तू ये वाली डाल लिया कर कोई नहीं तो एक सेट रह गया कर लूंगी ये वेरी गुड दो तीन क्या था ये कुछ चुभता रहता है इसको अंदर ही अंदर जैसे वो नहीं मैंने 2-3 बार पहले भी नोट किया खाना खाने के बाद भी करता है कार्टून है कार्टून अजीब अजीब से आ जाए पता नहीं एक दो आदत है कौन से वो हैं पता नहीं ऐसे कुछ चलो अच्छा है हाँ कुछ ऐसी आदत है भी बावला गोलू को कुछ भी बात बोलनी है ना तुझे किसी को भी घर में तो सिर्फ शिवानी को बोला कर हैं अरे वो तो है छोटा गुड्डू पकड़ना है गोलू तो मान भी लिया कि हाँ हूँ मैं छोटा गोलू 30 किलो उस बेचारी के बेट में ना बात नहीं बचती अभी भी यही हुआ था सुबह सुबह तो गोलू कोई बात बता रही थी तो शिवानी बैठ नहीं शिवानी आई थी मैं गोलू दोबारा बताए बात मतलब दोबारा बता गोलू फिर हंसने लगी मैं बता यार करना यहाँ पे जाएगी ना अब इसको लॉक रख और पीछे से बैग को खुलने दे ये बस ऐसे और ज़्यादा नीचे मत ले जा बस हाँ इसको लॉक कर जब ये जाए ना देख ये एल्बो जाए ना तो ये एल्बो जानी चाहिए पीछे ऊपर ये जाएगी रिलैक्स हो जाएगा तो बैग खुलेगी नहीं वेरी गुड शाबाश मेरे चीते यही उम्मीद है इधर से तीन सेट हो गए देखो वेट मैंने कितना अच्छा मारा देखो 30 किलो क्या बात है बाहुबली एक काम करियो सुपर सेट मारियो पहले 10 फिर 10 फिर 10 मैं कम करता रहूँगा हाँ 1 2 3 4 5 6 7 घर वालों का सहारा लिए बिना तुमने खुद कुछ करके दिखाया हाँ भाई तो ये एक बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर का अचीवमेंट है हाँ। तुम्हारे मॉम अभी प्राउड रहेंगे ना हाँ, अभी मम्मी मेरी देख रही होगी तो अच्छा फील कर रही होगी अब मैं तो उनको नहीं देख पा रही वो क्या कर रही लेकिन जो भी कर रही होंगी अच्छा कर रही होंगी कि तुमने ये प्रूव कर दिया कि औरतें भी किसी से कम नहीं होती और औरतें बोझ नहीं होती भाई मैं करने पे तो लोग कर सकते हैं खुद से कर सकते हैं कुछ अच्छा कर सकते हैं अच्छी चीजें कर भाई मैं जब यहाँ 10 क्या बात डन मजा आ गया ना
कुछ भी करना। हाँ देख 75 था तेरा, हाँ। 55 करियो 55, हाँ। फिर 35, ठीक है डन। चलो भाई बाहुबली चलो मारो करे, हाँ। 1 2